हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको जब मैंने इंग्लिश टाइपिंग सिखाई थी तो मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको इस नंबर रो के लिए एक अलग से कोर्स देने वाला हूँ। अच्छा, अब इसके अलग से कोर्स देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, होता क्या है कि जो भी लोग टाइपिंग सीखते हैं तो वो ए से लेकर के जेड तक, यानी कि ये वाली जो रो है, ये जो रो है और ये जो बॉटम रो है, इन पे तो खास ध्यान उनका रहता है, लेकिन वो नंबर रो को इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। वो सोचते ये है कि नंबर्स तो किसी भी पैराग्राफ में कम आते हैं, 2% या 3% नंबर्स आते हैं किसी भी पैरा में। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि अगर एग्ज़ाम में आपके पास ऐसा पैरा आपको मिल जाए टाइप करने के लिए जिसमें आपके नंबर्स ज़्यादा हों, तब तो आप क्या करोगे? ठीक है, या फिर मेरी नज़र में बेहतर टाइपिस्ट वही होता है जो इन तीनों रोज़ पे तो कमांड रखता ही है, साथ में उसके नंबर रो पर भी अच्छी कमांड होती है, यानी कि बिना देखे वो नंबर भी टाइप कर लेता है। अच्छा, मैंने आज तक काफ़ी लोगों को टाइपिंग सिखाई है, तो लोग करते क्या हैं कि वो इन तीनों रोज़ को तो बिना देखे टाइप कर लेते हैं, सोचते हैं कि ये नंबर तो बहुत कम यूज़ होते हैं तो मैं इनको देख कर कर लूँगा, मैं इस पर व्यर्थ में मैं इस पर प्रैक्टिस क्यों करूँ, मैं इसको देख कर टाइप कर लूँगा कि कहाँ पे 4 है, कहाँ पे 5 है, कहाँ पे 6 है। तो ये तरीका अनप्रोफेशनल होता है। ये आपको जब मैंने टेस्ट टाइपिंग सिखाई, यानी कि आपको पूरा कीबोर्ड आप बिना देखे टाइप कर सकते हो जो टाइपिंग में यूज़ होता है, तो आपको नंबर रो भी अच्छे से दोस्तों आनी चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ 4-5 दिन का कोर्स होता है, वो अगर आप मेरे बताए अनुसार कर लोगे तो आप नंबर रो पर भी ठीक वैसे ही टाइप कर पाओगे जैसे आप ए से लेकर के जेड तक आराम से टाइप कर पाते हो। ठीक, तो इसको मैंने डे 1, 2, 3 और 4 में डिवाइड किया है। तो आप डे 1 का काम आज आपको करना है। करना क्या है, देखिए, ASDF:LKJ। तो आपको जब मैंने आपको टाइपिंग सिखाई तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वाली उंगली से 1 प्रेस करते हैं, इस वाली उंगली से 2 प्रेस करते हैं, डी वाली पे जो उंगली रखी होती है इससे हम 3 प्रेस करते हैं, एफ से 4 और एफ से ही 5 प्रेस करते हैं, यानी कि जो उंगली मेरी एफ पर रखी होती है इससे ही हम 4 और एफ टाइप करते हैं। ठीक, इधर राइट साइड में आप 0 टाइप करते हो, 9, 8, 7, 6, 7 और 6 आप इसी उंगली से टाइप करते हो। तो अभी डे 1 में मैं आपको सिर्फ 4 और 5 और इधर 7 और 6, सिर्फ इन 4 कीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा। हर दिन हम एक एक उंगली के काम को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब आज मैं आपको दोनों हाथों की ये जो सबसे मुख्य वाली जो उंगली है इसका हम यूज़ आज सीखेंगे। ठीक है, ये उंगली और ये उंगली। तो इस वाली उंगली को आप ऊपर ले जाते हो तो क्या बनता है, 4। अब आप ध्यान दे पा रहे होगे कि ये जो एफ वाली जो की है इसके ठीक सीध में ना 5 है ना ही इसके ठीक सीध में 4 है। आपको 4 प्रेस करने के लिए आपको हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट होना पड़ता है। आप हल्का सा लेफ्ट में इस उंगली को ले जाओगे, 4 प्रेस करोगे तो 4 बनेगा। उसके बाद आप इसको हल्का सा राइट में, बहुत हल्का सा राइट में इसको शिफ्ट करोगे तो 5 बनेगा। ठीक है, वैसे ही इधर आपका जो है आप हल्का सा लेफ्ट में जाओगे तो 7 बनेगा, और थोड़ा ज़्यादा अगर आप इसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो आज का जो अभ्यास है वो आपका ये है, F4F5 J7J6 F4F5 J7J6। दोस्तों, ये आपको कम से कम 2 घंटे करना है। कितना करना है, 2 घंटे, F4F5J7J6। 2 घंटे आप जब इसको कर लोगे, जब 2 घंटे आप इसको ज़रूर करना, जब कर लोगे उसके बाद क्या करना है ये हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें ये जो अभ्यास जो मैंने आपको अभी बताया है ये 2 घंटे करने के बाद हमें करना क्या है। इसके बाद आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, तो अभी आपको F4F इसकी आपको 3 लाइन टाइप करनी है। 3 लाइन यानी कहाँ पर, MS वर्ड पर, वर्ड पैड पर आप कर सकते हो। ठीक है, 3 लाइन टाइप करना है, फॉन्ट साइज 16 करके, कितना फॉन्ट साइज, 16 फॉन्ट साइज करके आपको टाइप करना है इसकी 3 लाइन। ऐसे ही आपको J77J इसकी आपको 3 लाइन करना है, F55F इसकी 3 लाइन, J66J, F5FT इसकी 3 लाइन, उसके बाद J6JY इसकी 3 लाइन,
इसके बाद एफ फोर सेवन जे, एफ सिक्स एफ फाइव, उसके बाद एफ फाइव एफ फोर, इसकी तीन लाइन, जे सेवन जे सिक्स, इसकी तीन लाइन, ऐसे ही आपको फोर फाइव सेवन सिक्स, इसकी तीन लाइन, उसके बाद सिक्स फोर एफ फाइव, उसके बाद सेवन वाई फाइव आर, इसकी तीन लाइन, फोर सेवन फाइव सिक्स टी एफ फाइव फोर, उसके बाद वाई जे सिक्स सेवन, इसकी तीन लाइन, वाई जे सिक्स सेवन, इसके बाद है के आई सेवन यू, इसकी तीन लाइन, डी ई फाइव एफ, इसकी तीन लाइन, उसके बाद है फोर फाइव सिक्स सेवन, इसकी तीन लाइन, फिर है एम आई फुल स्टॉप सिक्स, इसकी तीन लाइन, फिर है एम आई डॉट फुल स्टॉप यानी कि सेवन, इसकी तीन लाइन, उसके बाद है फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन, इसकी तीन लाइन, उसके बाद है आर जे फोर्टी फाइव, इसकी तीन लाइन, माफ यहाँ पे आर और जे आपको कैपिटल बनाने हैं, आर जे जे फोर्टी फाइव, ठीक है। अब आपको कैपिटल कैसे बनता है, मैंने आपको जब टाइपिंग सिखाई थी तो मैंने आपको शिफ्ट का यूज़ बताया था, तो शिफ्ट यूज़ करके आपको आर और जे कैपिटल में बनाने हैं, ठीक है। इससे आपकी शिफ्ट की प्रैक्टिस भी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद है एरिया फिफ्टी फोर, इसकी तीन लाइन, उसके बाद है 46 क्रोमोसोम्स, इसकी तीन लाइन, 76 क्रोर्स, इसकी तीन लाइन, 56 ईयर्स, इसकी तीन लाइन, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके शब्द हैं, शब्द क्या मतलब, एक तरह से आप प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड हैं ये, इनको आपको टाइप करना है, ठीक है। एरिया में, एरिया 51 में 54 में कैपिटल ए बनेगा, ठीक है। आरजे में आर और जे बड़े बनेंगे, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने जो लिखे हैं वर्ड्स, इन सब की आपको तीन तीन लाइन टाइप करनी है, कितनी करनी है, तीन तीन लाइन। जब ये तीन तीन लाइन इन सभी की हो जाए, 54 एरिया 54 46 क्रोमोसोम्स 76 क्रोर्स, इन सभी की आप जो तीन लाइन कर लो, उसके बाद हर वर्ड की तीन लाइन टाइप करने के बाद आपको इन शब्दों को अलग अलग शब्द ना मानते हुए इन्हें एक पैराग्राफ मानकर इसको पूरा टाइप करना है। आपने एफ फोर फोर एफ टाइप किया स्पेस दिया, जे सेवन सेवन जे टाइप किया स्पेस दिया, एफ फाइव फाइव एफ टाइप किया स्पेस दिया, करते करते आपको 56 ईयर्स तक चले आना। इससे आपका एक बार होगा, ऐसे आपको पांच बार करना है, ठीक है। टाइप द अबव पैराग्राफ एटलीस्ट फाइव टाइम्स, जब सबकी तीन तीन लाइन हो जाए उसके बाद करना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डे वन का जो पूरा काम है ये आपका पूरा होता है, ठीक है। इससे आपका जो फाइव फोर और फाइव और इधर सेवन और सिक्स, ये आपके अच्छे से जो है इनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद डे टू में मैं आपको थ्री और एट का यूज़ करना बताऊंगा, ठीक है। ऐसे अगर हम धीमे धीमे चलेंगे, एक एक नंबर एक एक उंगली का यूज़ करते हुए, तो आराम से हम नंबर रो जो है वो सीख जाएंगे, ठीक है। एक साथ पूरी करने में थोड़ा सा बर्डन लगता है और टफ भी लगता है। कुछ पूछना है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है ना, वो आपको उसके लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और इस सीरीज़ के यानी कि इस नंबर रो की जो सीरीज़ आ रही है, जो कोर्स है पूरा, इसके सारे वीडियोज़ की जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।